ग्रेनेड और वही हथियार, वही कारतूस, वही मैगजीन होंगी जिससे ये लगातार हमला कर रहे हैं आतंकवादी। कई घंटे बीत चुके हैं और अभी तक भी इन लोगों के हमले जारी हैं। तो ये आतंकवादी की तस्वीर मुंबई में जो हमने आपको बताया, 26 आतंकवादी पहुंचे थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए, उनमें से एक आतंकवादी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। उम्र बहुत ज्यादा इस तस्वीर में देखने से आतंकवादी की नहीं लगती है और नौजवान सही आतंकवादी प्रतीत होता है। कंधे पर बैग भी है जिसमें सारा इसका असला है, हाथ में राइफल है। देखिए हाथ में राइफल कैसे ताने हुए हैं, ये भागने शायद यकीन भाग ही रहा होगा इस वक्त इसकी तस्वीर खींची गई। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सौरभ, ये आप जो देख रहे हैं सारे दर्शक, ये आतंकवादी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ओबरॉय होटल में फायरिंग भी शुरू हो गई है और ये आतंकवादी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके पीछे में बैग टंगा हुआ, हाथ में AK-47 राइफल है, नाक के पास से खून गिर रहा है, नीले रंग का बैग दिखाई दे रहा है, काले रंग की स्ट्रेप उसके ऊपर दिखाई दे रही है। और ये आतंकवादी की सबसे पहली तस्वीर है, 26 में से एक आतंकवादी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपको अब इस वक्त का ताजा अपडेट देते हैं, ओबरॉय होटल में फायरिंग बढ़ गई है और जारी है। मुंबई के अंदर अगर हम ताज और ओबरॉय दोनों की बात करें तो आर्मी की भी मदद ली जा रही है। ये पहला मौका है खास करके मुंबई के लिए जहां ये आर्मी की मदद ली जा रही है। तालस्कर एडिशनल कमिश्नर अशोक कांडे, तीन अफसर शहीद हो गए और 78 की मौत हो चुकी है इन हमलों में अब तक, ये खुद महाराष्ट्र सरकार का कहना। दीपक चौरसिया कुमार का फोन है तो मौजूद है। दीपक, ये दो आतंकवादी जो मारे गए हैं गिरगांव चौपाटी में और जो पता चल रहा है 9 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने, जैसा महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं, ये अभी तक संकेत लग रहे हैं कि लश्कर के लोग हो सकते हैं या होटल को घेर रही है। दीपक चौरसिया इस वक्त हमारे फोन लाइन मौजूद है। दीपक, क्या मंशा हो सकती है? और मैं आपको पहला अपडेट दे दूं कि नौसेना की एक टुकड़ी ताज होटल ऑलरेडी पहुंच चुकी है। ये नौसेना की नेवल कमांडोज हैं जो मेरिन ड्राइव के आसपास पेट्रोलिंग करते हैं और नौसेना की जो कोस्ट है कराची और मुंबई के बीच के उसको संभालते हैं। इन्होंने पूरी तरह से उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। इसके अलावा पूरे के पूरे मुंबई में आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी की जितनी बटालियन मुंबई और आसपास के इलाकों में तैनात है उनको उन तमाम सेंसिटिव इलाकों में भेज दिया गया है जहाँ किसी भी तरह के गड़बड़ की आशंका है। लेकिन किशोर, इसके पीछे की पूरी डिजाइन समझाना चाहूंगा। इसके पीछे की जो पूरी डिजाइन है उसके अंदर इनकी जो प्लानिंग की हुई है कि पहले कैसे गैर में जो कैसे है उसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करें, उस फायरिंग की आड़ लेकर कुछ लोग तार में छुपे। इससे पहले इनके कुछ साथी जो है वो सिविल ड्रेस में ऑलरेडी ओबेरॉय होटल में छुप चुके थे। ओबेरॉय और हिल्टन टावर जो है वो दोनों एक है और स्विमिंग पूल से रास्ता एक जाता है। इनकी प्लानिंग ये है कि ये ताज और ओबेरॉय होटल और जो हिल्टन टावर है उसको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाए और इसके साथ ही इनके जो तमाम साथी थे वो विले मारने हो या हमने जितने भी इलाके दिखाए वहां पर धमाके किए हों, ये इनकी डायवर्जनरी टैक्टिक्स थी। और साथ ही साथ जो हमने पहले दिखाया था कि पहले अहमदाबाद में किस तरह से धमाके किए गए थे और बाद में अस्पताल में धमाका किया गया था, तो डायवर्जन के तौर पर इन्होंने कामा अस्पताल पर हमला भेजा। बोला पुलिस को ये लगा कि कामा अस्पताल पर हमला बोलने के बाद तमाम जो है लोग शायद कामा अस्पताल की तरफ जाए, इसीलिए जो पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन था वो पूरा कामा अस्पताल की तरफ चला गया और वहां पर 3 पुलिस अधिकारी मारे गए, कुछ लोग बीच में मारे गए और हेमंत करकरे को ठीक छाती के नीचे गोली मारी गई, उन्हें कामा अस्पताल के बाहर गोली मारी गई। जब वहां पे इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो गई, जो पूरी डिजाइन है वो ये है कि जो बिजनेस पॉइंट है नरीमन पॉइंट उसको पूरा निशाना बनाया जाए, उन जगहों को निशाना बनाया जाए जहां पर विदेशी टूरिस्ट आते हैं, कोलाबा का वो इलाका जहां पर फायरिंग होती है वहां पर बता दूं। और साथ ही साथ इन जो होटल्स हैं जहां पर इस वक्त कुछ VVIPs रुके हुए हैं और हमारी जो अभी टॉप सोर्सेस से बात हुई है उनका ये कहना है कि कुछ VVIPs और कुछ लोग अभी भी होटल में फंसे हुए हैं क्योंकि वो आइटिनरी को चेक नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है कि